नमस्कार मित्रों, मैं हर्ष रॉय। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक कमाल की टेक्नोलॉजी के बारे में। आजकल इसका नाम आप बहुत सुन रहे होंगे, जब मैं बात कर रहा हूँ VO वाईफाई के बारे में। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिरकार ये है क्या, इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, साथ में ऑल बटन को टैप कर दें। धन्यवाद। आजकल आपने गौर किया होगा VO वाईफाई नामक शब्द आपको बहुत सुनने को मिल रहा है। दरअसल यह एक प्रकार की टेक्नोलॉजी है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि आखिरकार यह है क्या। देखिए, आज से कुछ दिन पहले हमें 2G देखने को मिलता था, उसके बाद हम 3G चलाते थे, उसके बाद 4G आया, फिर 4G LTE देखने को मिला, फिर VO LTE देखने को मिला। जैसा कि आपको मालूम है, टेक्नोलॉजी बहुत ही तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रही है। जस्ट उसी टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ने के रफ्तार में एक नया अपग्रेडेशन है। आपको बताना चाहूँगा कि पहले जो 2G देखने को मिलता था, वहाँ पर भी हम कॉलिंग की सर्विस का लुत्फ़ उठा सकते थे, 3G में भी देखने को मिलता था, 4G में भी, और VO LTE उसके बाद आया। आपने गौर किया होगा कि पहले जो आपको 2G देखने को मिलता था या फिर 3G देखने को मिलता था, वहां पे कॉलिंग आपको उतनी अच्छी खासी बेहतर देखने को नहीं मिलती थी, कॉल कनेक्टिविटी आपको उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता था, या फिर जो कॉलिंग की क्वालिटी है वो आपको बेहतर देखने को नहीं मिलता था। अगर आप कॉल पे किसी से बात कर रहे हैं तो कभी कभी जो कनेक्टिविटी है वो ही खत्म हो जाता होगा, तो कॉल आपका कट हो जाता होगा, डिस्कनेक्ट हो जाता होगा। अदरवाइज अगर कॉल कनेक्ट भी है तो वहां पे जो वॉइस है वो उतना क्लियर नहीं रह पाता होगा, यानी कि जो कॉल पे बात करने का आपका एक्सपीरियंस उतना कमाल का नहीं रहता होगा 2G 3G में। उसके बाद 4G आया, यहां पे हल्का सा बेहतर बदलाव हमको देखने को मिला, थोड़ा बेहतर क्वालिटी हुआ और कनेक्टिविटी हुआ पहले के मुकाबले, लेकिन वहां पे भी उतना कमाल का हमें देखने को नहीं मिला। फिर VO LTE आया, जी हां, मैं बात कर रहा हूं वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की। यहां पे जो आपको क्वालिटी देखने को मिली वॉइस की वो बिल्कुल कमाल की थी, HD क्वालिटी आपको देखने को मिलती थी, काफी बेहतर वॉइस का क्वालिटी आपको देखने को मिलता था, कॉल पे बात करने का आपका एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो गया, यहां पे कनेक्टिविटी आपको बहुत बेहतर देखने को मिला। गौर करने वाली बात यह है कि जो VO LTE का सर्विस है, भारत में सबसे पहले रिलायंस जियो लेके आया, लेकिन आपने यहां पे भी एक दिक्कत फेस किया है। फिलहाल के लिए बताना चाहूंगा, VO LTE सर्विस तो आपको और भी टेलीकॉम कंपनियां जैसा कि एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया में देखने को मिल जाता है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी भी कॉलिंग में दिक्कत हमें यह है कि अगर हम VO LTE पे बात करते हैं तो हमारी तो क्वालिटी कॉल की बेहतर होती है और कनेक्टिविटी बेहतर होती है, लेकिन VO LTE का रेंज उतना बेहतर फिलहाल के लिए नहीं है। यानी कि अभी भी हमारे इलाके में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे नेटवर्क कवरेज बेहतर नहीं है। अगर नेटवर्क कवरेज वहां पे बेहतर देखने को नहीं मिलता है तो हमारे जो कॉलिंग का एक्सपीरियंस वो बेहतर देखने को नहीं मिलेगा, कॉल बार बार डिस्कनेक्ट होगा और कॉल पे जो ऑडियो की क्वालिटी है उसमें थोड़ा हमें कंप्रोमाइज करना होगा। खैर, आजकल तो आप अगर रूम के अंदर भी चले आते हैं, अपने घर के अंदर भी चले आते हैं, तो बहुत जगह आपको कनेक्टिविटी बहुत खराब देखने को मिलता है, नेटवर्क बिल्कुल पुअर देखने को मिलता है। तो जो VO वाईफाई यानी कि वॉइस ओवर वाईफाई का सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, इसी में हमें मदद करने वाला है, यहीं पे हमें कमाल के बेनिफिट मुहैया कराएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो VO वाईफाई की सर्विस है, इसके माध्यम से आप कॉल कर सकते हैं फिलहाल के लिए। आने वाले दिनों में आप इसके माध्यम से वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, आने वाले दिनों में, फिलहाल के लिए नहीं। आपको बताना चाहूंगा, आप आजकल व्हाट्सएप से, स्काइप से, बहुत सारे तरह तरह के सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये जो VO वाईफाई का सर्विस है, टेक्नोलॉजी है, उससे काफ़ी अलग है। आजकल हम लोग जो नेटवर्क को यूज़ करते हैं, जहाँ पे कोई सिम को यूज़ करते हैं उसके माध्यम से कॉल करते हैं, जस्ट उसी प्रकार का फीचर हमें VO वाईफाई में भी देखने को मिलेगा। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूँ, इसका पूरा नाम है वॉइस ओवर वाईफाई। देखिए, ये जो वाईफाई का ये जो फीचर है VO वाईफाई, इसके तहत मान लीजिए आप किसी एरिया में है जहां पे आपको नेटवर्क बेहतर देखने को नहीं मिल रहा है, नेटवर्क कवरेज वहां पे बेहतर नहीं है। एग्जांपल के तौर पे आप अपने घर के अंदर भी हो सकते हैं, ज्यादातर गौर किया होगा घर के अंदर आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी उतना बेहतर देखने को नहीं मिलता है, तो वहां पे आप इस टेक्नोलॉजी का लुत्फ उठा सकते हैं, इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बेहतर कॉल का मजा ले पाएंगे। जी हां, VO वाईफाई के माध्यम से आप कॉल का लुत्फ उठा सकते हैं, जस्ट आपको सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट होना होगा, और जैसे आप एक नॉर्मल कॉल करते हैं जस्ट इसी प्रकार का नॉर्मल कॉल भी आप इससे कर सकते हैं, बशर्ते आपका जो सिम है वो VO वाईफाई को सपोर्ट करता हो और आपका जो डिवाइस है वो भी VO वाईफाई को सर्विस को सपोर्ट करता हो। वैसे तो फिलहाल के लिए भारत में आपको बहुत कम डिवाइस ही देखने को मिलते हैं जो VO वाईफाई को सपोर्ट करता है, अदरवाइज यहां पे कुछ पार्टिकुलर सिम्स कंपनियां भी अब इस प्रकार की सर्विस भारत में मुहैया करा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि एयरटेल ने हाल में ही इस प्रकार का सर्विस मुहैया कराना आरंभ कर दिया है, और आने वाले दिनों
में आपको जियो भी देखने को मिलेगा। ये जो एयरटेल का वीओ वाईफाई सर्विस है फिलहाल के लिए भारत के कुछ चुनिंदे इलाका में ही मौजूद है, जैसा कि दिल्ली एनसीआर यानी कि दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। अब मैं बताना चाहूंगा कि इससे हमें क्या फायदा देखने को मिलेगा। मान लीजिए कि आप किसी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी बेहतर नहीं है, अब आपको वहाँ पे कॉल करना है, आपके डिवाइस में सिग्नल ही नहीं है, सिर्फ आपके डिवाइस में आपका एक सिम है उस पर किसी प्रकार का कोई टावर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास फिलहाल के लिए एयरटेल का सिम है और आप दिल्ली कैपिटल रीजन, दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन यानी कि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपके पास एयरटेल का सिम है, तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका डिवाइस वीओ वाईफाई के फीचर को सपोर्ट करता है और आपका एयरटेल का सिम तो खैर दिल्ली एनसीआर में कर ही रहा है, वाईफाई से कनेक्ट होकर जैसा कि आप एक नॉर्मल कॉल डायल करते हैं, जस्ट उसी प्रकार का एक नॉर्मल कॉल डायल करके कॉल का लुप्त बड़ा ही कमाल के तरीके से उठा सकते हैं। यहाँ पे जो आपको कनेक्टिविटी है बहुत बेहतर देखने को मिलेगी, आपको ऑडियो क्वालिटी भी बहुत बेहतर देखने को मिलेगा, यानी कि इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे जो कॉल करने का एक्सपीरियंस है वो बहुत बेहतर हो जाएगा। मुख्य रूपेण वीओ वाईफाई का सर्विस के माध्यम से आप इसी प्रकार का कार्य कर सकते हैं। खैर, जैसा कि मैंने आपको बताया, वीओ वाईफाई में आप वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, लेकिन ये आने वाले दिन में संभव होगा, फिलहाल के लिए संभव नहीं है। सारी टेलीकॉम कंपनियां रिलायंस जियो वगैरह, वोडाफोन वगैरह, आइडिया वगैरह इस पे काम कर रही है, टेस्ट सबका जारी है। बहुत ही जल्द आपको भारत के लगभग हर एक इलाका में यह देखने को मिल जाएगा और सारी टेलीकॉम कंपनियां की ओर से इस प्रकार का फीचर आपको मुहैया कराने लगेगी कुछ दिन में। आपको यह बताना चाहूंगा, आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे स्मार्टफोन्स में भी इस प्रकार का फीचर मिलना शुरू हो जाएगा। जब हमारे जो कैरियर से हमारी जो सिम है वो इसे सपोर्ट करने लगेगी, तो फीचर हमें अपने स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली बाद में देखने को मिलने लगेगा और ज़्यादातर कंपनियां एडवर्टाइज करेगी कि हमारे पास इस प्रकार का फीचर है हमारे डिवाइस में, आप हमारे डिवाइस को ही परचेज कीजिए। खैर, मैं आपको बता देना चाहूंगा, फिलहाल के लिए भारत में कुछ चुनिंदा डिवाइस मौजूद हैं जहां पे आपको इस प्रकार का सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हैं जानना कि आपके डिवाइस में इस प्रकार का फीचर उपलब्ध है कि नहीं, तो इसके लिए आप अपने डिवाइस की सेटिंग को खोल लीजिए, वहां पे जो वाईफाई का सेटिंग है उसे ओपन करें, जो एडवांस सेटिंग है वहां पे जाके चेक करें वाईफाई कॉलिंग का फीचर देखने को मिलता है या नहीं। अदरवाइज अगर आप सेटिंग खोलते हैं तो ऊपर आपको एक सर्च बार देखने को मिलता है, उसमें टाइप करें वाईफाई कॉलिंग, अगर आपको फीचर देखने को मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे डिवाइसेस में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा, भारत के अंतर्गत कुछ डिवाइसेस मौजूद है जहां पे आपको जो वो वाईफाई यानी कि वीओ वाईफाई का फीचर है वो उपलब्ध है। मैं बताता हूं एक एक करके सारे डिवाइस के बारे में। यहां पे आईफोन के सारे डिवाइसेस जो 6s के ऊपर चलते हैं सभी में उपलब्ध है। जी हां, आईफोन 6s, आईफोन 6s प्लस, आईफोन 7, आईफोन 7 प्लस, आईफोन 8, आईफोन 8 प्लस, आईफोन 10, आईफोन 10R, आईफोन 10S, आईफोन 10S मैक्स, आईफोन 11, आईफोन 11 प्रो और जो आईफोन 11 प्रो मैक्स या फिर आईफोन 11 प्रो प्लस, ये सारे आईफोन्स के डिवाइसेस में आपको इस प्रकार का फीचर देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर आपके पास वन प्लस का डिवाइस है तो वन प्लस 6T या फिर वन प्लस 6 या फिर वन प्लस 7T या फिर वन प्लस 7 या फिर वन प्लस 7T प्रो या फिर वन प्लस 7 प्रो, इनमें आपको यह फीचर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास Xiaomi का डिवाइस है तो आपके पास Poco F1, Redmi K20 और साथ ही साथ आपके पास अगर Redmi K20 Pro है तो ये फीचर देखने को मिलेगा। अगर आपके पास Samsung का डिवाइस हो तो आपके पास Samsung Galaxy Note 10 सीरीज या फिर S10 सीरीज है तब ये कार्य कर जाएगा, या फिर आपके पास होना चाहिए Galaxy M30s, Galaxy On 6, Galaxy J6 और Galaxy A10s, इन सब डिवाइसेज में आपको इस प्रकार का फीचर फिलहाल के लिए उपलब्ध है। कुछ क्वेश्चन है जिसका जवाब मैं दे देना चाहूंगा आपको। यहाँ पे मन में सवाल यह जरूर आया होगा कि अगर हम इसका सर्विस का यूज करना चाहेंगे वीओ वाईफाई का, तो मान लीजिए अगर आप फोन करना चाहते हैं, आपके डिवाइस में नेटवर्क नहीं है, तो आप वीओ वाईफाई के माध्यम से फोन करना चाहते हैं तो जो अगले व्यक्ति हैं उनके पास भी वीओ वाईफाई एक्टिव होना चाहिए, तो नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास वीओ वाईफाई का सर्विस है और वीओ वाईफाई के सर्विस के माध्यम से आप किसी को कॉल करना चाहते हैं तो सामने वाले के पास ये हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है, आपका कॉल बहुत ही आसानी से कनेक्ट हो जाएगा। यहां पर आपको ऑटो स्विच का भी फीचर देखने को मिलेगा जिसके तहत आपको ये सब आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा जो ऑटो स्विच है इसके तहत आप जिस एरिया में हैं अगर वहां पे आपकी सिग्नल की क्वालिटी काफी बेहतर है, नेटवर्क स्ट्रेंथ काफी बेहतर है, तो वहां पे कॉल से फीचर कॉल जो है आपके नेटवर्क से फीचर किया जाएगा, यानी आपके नेटवर्क से कॉल लगेगा और वहां पे बात होगी अच्छी क्वालिटी में। डिपेंड करता है कि अगर वहां पे आपके वाईफाई का कवरेज काफी बेहतर है तो फिर ऑटो स्विच होकर वो वाईफाई पे आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार
का कार्य होगा और आने वाले दिनों में जो हमारे कॉलिंग का एक्सपीरियंस है वो बहुत कमाल का देखने को मिलेगा। तो मित्रों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और भी और वाईफाई के बारे में आपको काफी सारी जानकारी मिली होगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।